बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्केप में रेंडर इमेज सेव करने के लिए इंस्केप सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीनशॉट, आप उस पर क्लिक करें या फिर अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करें। जैसे ही आप शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेव फोल्डर उसका ओपन होगा। फिर उसके बाद इसके नीचे देखिए, यहाँ पर उसके डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको किस टाइप में जो है तो अपने इमेज को रेंडर करना है, JPG फॉर्मेट में, OpenEXR फॉर्मेट में, या उसके अलावा इसके नीचे और एक दो ऑप्शन है जिस फॉर्मेट में भी आपको आपके इमेज को रेंडर करना है उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करें। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका रेंडरिंग स्टार्ट होगा। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्क्रीनशॉट, ये तो सिंगल फ्रेम का अगर रेंडर करना है उस वक्त, और अगर हमें मल्टीपल फ्रेम को वन टाइम में रेंडर करना है, मसलन हमने डिफरेंट टाइप के सीन क्रिएट किए हुए हैं, उसके बाद एक ऑप्शन है हमारा बैच रेंडरिंग, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए जितने सीन आपने क्रिएट किए हुए यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर शो होंगे, आप उसको चेक करें जितने भी सीन को आपको जो है तो रेंडर करना है और रेंडर इमेज पर क्लिक करें तो बैच रेंडरिंग यहाँ से होगा, यानी कि वन टाइम में आपके जितने सीन हैं पूरे के पूरे रेंडरिंग शुरू हो जाएंगे।